हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन में हमें ए का ट्रांसपोज हमें गिवन है, तो ट्रांसपोज से हम ए अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टू थ्री वन टू, ठीक है। और बी हमें वैसे का वैसा दिया हुआ है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन हमें चाहिए ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज हमें चाहिए। तो यहां से हम टू टाइम्स बी अगर हम निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है उसमें भी हमारा टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो टू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस टू टू जीरो फोर। ओके ठीक, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टू बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन हमारा है ए प्लस टू बी पूरे के ऊपर में है हमारा ट्रांसपोज, ठीक। अब इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें a प्लस टू बी की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, a की वैल्यू है माइनस टू थ्री वन टू प्लस कितना है ये माइनस टू टू जीरो फोर, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर, ठीक, माइनस फोर और ये हमारा हो जाएगा फाइव और ये हमारा हो जाएगा वन और ये हमारा कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन ए प्लस टू बी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास ए प्लस टू बी आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। तो a प्लस टू बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर वन और ये फाइव सिक्स, बस ये हमारा आंसर है।